अब हम लोग ब्लू लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्सेज में हम लोग देखेंगे स्टोमेटा ओपनिंग, ठीक है। ब्लू लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्सेज में स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, वैसे तो आपको पता है स्टोमेटा ओपन होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि स्टोमेटा ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज में भी ओपन होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं अब हम लोग वन बाई वन देखते हैं। तो पहले तो हमें स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। जब कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप उस टॉपिक को डीपली नहीं समझ पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले आप उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर जानिए कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा क्या होता है, माइन्यूट पोर्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लांट का मीन्स लीफ का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ये क्यूटिकल होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पैलिसेड टिश्यू होते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे मीन्स इसमें इनमें क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। फिर नीचे यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस होता है, और यहाँ पे ही क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा होते क्या, ये माइन्यूट पोर होते हैं लोअर एपिडर्मिस पे, लीव्स के या अदर ग्रीन पार्ट्स पे भी पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीव्स पर ही, कुछ ग्रीन पार्ट कहीं भी हैं वहां भी पाए जाते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं उनकी जो फुल्ली एक्सटेंडेड स्टोमेटा का जो साइज होता है वो होता है 3 to 12 माइक्रोन विद में होता है, 40 माइक्रोन लेंथ होती है जो स्टोमेटा की साइज होती है। अगर हम लोग लीफ के सरफेस एरिया की बात करें तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1000 to 6000 स्टोमेटा होते हैं। मीन्स कि ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा, किसी में 1000 होंगे, किसी में 2000 होंगे, मतलब ये डिपेंड करेगा कि स्पीसीज कैसी, उसमें फोटोसिंथेटिक रेट कैसा है, वो सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो जो इसकी सरफेस होती है लीफ की, उस पर एक एवरेज देखा गया है कि 1000 से लेकर 6000 स्टोमेटा पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। और पूरी लीफ जो सरफेस होती है उसका, जैसे सपोज ये लीफ है, तो इफ लीफ सरफेस का 1 to 2% जो पार्ट होता है, जो उसका टोटल एरिया होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन स्टोमेटा का कितना होता है, 1 to 2% होता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि स्टोमेटा को क्लोज और ओपन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल रिदम है ना। अब देखिए, हम लोगों ने बायोलॉजिकल रिदम मतलब सर्केडियन क्लॉक पढ़ा है, हमें पता है डे टाइम स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो बायोलॉजिकल रिदम वहां काम करेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी कैसी मिल रही, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, अगर इंक्रीज होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। विल्टिंग प्लांट क्लोज स्टोमेटा, अगर प्लांट में विल्टिंग हो रही मीन्स कि प्लांट मुरझा रहा है तो उस समय स्टोमेटा क्लोज कर दिए जाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन से एक ट्रांसपिरेशन भी होता है, अगर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो प्लांट और तेजी से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर प्लांट में विल्टिंग हो रही तो उस समय स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाएगा। वाटर बैलेंस, ह्यूमिडिटी, अगर वाटर को बैलेंस करने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, CO2 और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसपिरेशन करने के लिए, सारे स्टोमेटा के फंक्शन है। कब स्टोमेटा ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, ये डिपेंड करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब स्टोमेटा मतलब ओपनिंग के प्रोसेस को समझने से पहले आपको एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल समझना होगा, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल समझना होगा। यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक, वाटर मॉलिक्यूल का हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव होने को ही वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। हाइपोटोनिक मतलब मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, जहां पे एक वाटर पोटेंशियल होता है, जहां पे वाटर पोटेंशियल हाई होता है तो हम आपको ये आगे वाटर पोटेंशियल बताएंगे, बस आप ये समझिए कि वाटर पोटेंशियल, वाटर की ये टेंडेंसी होती है जहां वाटर पोटेंशियल हाई है मीन्स कि जहां वाटर कंटेंट ज्यादा है वहां से वाटर लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो जब यहां पे लिखा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब कि लेस सोल्यूट, मतलब कि ऐसा सोल्यूशन है जहां पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर का कंटेंट ज्यादा है, तो उसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हमेशा जो मीन्स कि वाटर का मूवमेंट कहां होता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, मीन्स कि जहां पे ज्यादा पानी है ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए। अब इसके बाद यहां पे देखिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना है। इस स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो किडनी
शेप दिख रहा है ये क्या है, इसको कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल, जो कि किडनी शेप का दिख रहा है। बाहर की तरफ जो सेल्स आपको दिख रही हैं, है ना, बाहर की तरफ जो सेल्स दिख रही, इनको कहा जाता है सब्सिडरी सेल्स, इनको कहा जाता है सब्सिडरी सेल्स, ठीक। और ये जो गार्ड सेल्स हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस तो होगा ही। सब्सिडरी सेल्स हैं, इनके पास क्या देख रहे हैं कि एक एपिडर्मिस सेल वॉल है, थिन। और हाँ, जो ये आपको ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि गार्ड सेल है, तो इसके जो इस तरफ होता है, इधर इधर थिन सेल्स होती है, ठीक है। इधर क्या होती है, थिन सेल वॉल होती है, और इस तरफ थिक सेल वॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये थिक सेल वॉल दिख रही है, और इस तरफ एक लिखा थिन सेल वॉल, और इधर क्या है, थिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, थिक सेल वॉल होती है। इसका भी रीजन है, क्योंकि इधर से अभी वाटर अंदर एंट्री लेना है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। तो ये स्टोमेटा की ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन में क्या है कि इस तरह का ये देखिए स्ट्रक्चर बना है, तो ये ओपन होता है। ये ओपन कब होता है, जब ये गार्ड सेल्स क्या होती हैं, टर्जिड होती हैं। जब ये गार्ड सेल्स क्या होती है, टर्जिड होती है, मतलब इनमें ये स्वेल करती है, तो उस समय ये स्टोमेटा ओपन होते हैं। और क्लोज कंडीशन में क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम लोग इसके, अगर हम लोग इसके स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, हम लोग इसको समझते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम लोग डे टाइम की बात करें, डे टाइम में क्या क्या हमें मिलता है, डे टाइम में CO2 तो है ही, वाटर तो है ही, क्लोरोप्लास्ट तो है ही, और लाइट मिल रही है। डे टाइम में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिल रहा है, लाइट मिल रही है, और रॉ मटेरियल ये सारे मिल रहे हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के पास है ही, है ना, वाटर कंटेंट रहता ही है, CO2 है ही इन्वायरमेंट में, लाइट डे टाइम में मिली, ड्यूरिंग डे लाइट मिली, और फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस, अब ये फोटोसिंथेसिस मान लीजिए, सपोज कि ये आपको गार्ड सेल्स दिख रही है, ठीक है, इस गार्ड सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, गार्ड सेल्स में, यहां पे हम इसको बना देते हैं, गार्ड सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट यहां पे पाया जा रहा है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हुई, जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हुई तो यहां पे क्या हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के बाद क्या बना, स्टार्च बना, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च चेंज हो जाता है मैलिक एसिड में, ठीक है, मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में चेंज हो गया। अब ये क्या करता है, मैलिक एसिड फर्दर आयनाइज होता है और बनाता है मैलेट आयन और H प्लस आयन, ठीक। अब गार्ड सेल में क्या हो गया, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक। अब यहां पे देखिए, डे टाइम में क्या हुआ, डे टाइम में जैसे ही ये हमने बताया क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हुई, फिर फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, स्टार्च बनता है, तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्च बन गया फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब इसके बाद क्या हुआ कि स्टार्च से फॉर्मेशन होती है मैलिक एसिड की, कहां पे बन रही, गार्ड सेल्स में, जैसा हमने बताया गार्ड सेल्स में बन रही। अब ये मैलिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होते हैं मैलेट आयन और H प्लस आयन में। जब गार्ड सेल में क्या हो गया, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, गार्ड सेल्स में क्या हो गया, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहां पे एक पोटेशियम पंप होता है वो खुल जाता है, कहां पे, गार्ड सेल्स में, ठीक है। यहां पे जो गार्ड सेल्स है, यहां पे एक पोटेशियम पंप होता है वो खुल जाता है, क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हुआ, एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ, एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से कहां पे ये क्या हुआ कि पोटेशियम पंप जो है वो खुल जाता है। जब खुलता है तो इधर क्या है, सब्सिडरी सेल्स है, इधर क्या है, सब्सिडरी सेल्स है, तो सब्सिडरी सेल्स से के प्लस आयन अंदर आने लगते हैं, ठीक है। सब्सिडरी सेल्स से के प्लस आयन कहां आते हैं, अंदर आते हैं, और उनके साथ साथ वो क्लोराइड आयन को भी लाते हैं, मतलब बैलेंस करने के लिए, बैलेंस के लिए क्लोराइड आयन भी आते हैं, तो के प्लस आयन और क्लोराइड आयन अंदर आते हैं। जब इसके अंदर बहुत सारा पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन आ जाता है तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब हमने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब क्या है कि यहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया है, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ने का मतलब ये हो गया। तो अब क्या होगा कि जब कहीं भी सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, तो टेंडेंसी ये होती है कि वाटर अंदर आए, ठीक है। तो वाटर कहां होता है, सब्सिडरी सेल से वाटर गार्ड सेल्स में आता है। जब सब्सिडरी सेल से वाटर गार्ड सेल्स में आता है तो ये जो गार्ड सेल्स है ये क्या कर जाते हैं, ये टर्जिड हो जाते हैं, ये स्वेल कर जाते हैं, और जब ये स्वेल होते हैं तो ये जो होल है ये ओपन हो जाता है और वो स्टोमेटा ओपन कर जाते हैं, ठीक। तो यहां पर यही चीजें फिर से एक बार सुन लीजिए, कैसे स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं।
डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही, फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बन रहा है, स्टार्च क्या बनाता है, मैलिक एसिड बनाता है, मैलिक एसिड डिग्रेड होता है, आयनाइज होता है एच प्लस आयन और मैलेट में, गार्ड सेल्स के अंदर एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, एच प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से पोटेशियम आयन जो पंप है वो खुल जाता है गार्ड सेल्स में, और सब्सिडरी सेल्स से इस वाले यहां से क्या होता है, इन सेल्स से पोटेशियम आयन यहां पे आने लगता है, ठीक है, यहां पे पोटेशियम आयन बहुत सारा आता है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन भी आता है, इसकी वजह से गार्ड सेल में ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है, जब सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है तो यहां पे पानी की कमी हो जाती है, यहां पे पानी बहुत ज्यादा है तो अंदर फिर वाटर एंट्री लेता है, जब वाटर आता है तो ये जो गार्ड सेल्स है ये स्वेल कर जाते हैं, और जब ये स्वेल करते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट एच प्लस स्टोमेटा ओपन की क्या है, कि पोटेशियम आयन का गार्ड सेल के अंदर आना, और पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर कैसे आ पाते हैं, जब गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, मीन्स की एसिडिक कंडीशन हो रही है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन हो रही है, उस समय क्या होता है कि वो पंप खुल जाता है पोटेशियम आयन, और उसके साथ काउंटर बैलेंस करते हुए क्लोराइड आयन आता है, तो गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर कहिए सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है, उसके बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बाहर से सब्सिडरी सेल से वाटर कहाँ आता है, गार्ड सेल में, और गार्ड सेल में जब वाटर आता है तो गार्ड सेल कैसे हो जाते हैं, टर्जिड होते हैं, और जब वो टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो ये तो आपको स्टोमेटा ओपन होने की कंडीशन पता चल गई, ये तो एक नॉर्मल स्टोमेटा ओपन है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपन, वो कैसे ओपन होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टोमेटा ओपन समझ गए, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी। अब देखिए ये क्या है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये जो पिंक दिख रहा है साइटोप्लाज्म। अब ये पिंक कहाँ पे, स्टोमेटा ओपन कहाँ होते हैं, गार्ड सेल्स में ही सारी चीजें होती हैं, तो ये साइटोप्लाज्म किसका है, गार्ड सेल का है, ठीक है, ये याद रखिए। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, ये गार्ड सेल का क्लोरोप्लास्ट है। अब क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। तो ये सारे आप पहले बेसिक चीजें समझिए कि ये सेल है, कौन सी सेल है, गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, और ये गार्ड सेल के, ये देखिए यहाँ पे पंप्स दिख रहे हैं, चैनल्स दिख रहे हैं, यही, और इसके चारों तरफ क्या होंगी, इसके चारों तरफ होंगी सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, अब यह समझ में आया होगा, ये है सब्सिडरी सेल्स। अब क्या होता है कि जब लाइट की इंटेंसिटी हाई है, जब लाइट की इंटेंसिटी हाई है तो क्या होता है कि कुछ एटीपेज यहाँ पे पाए जाते हैं, किसमें, ग्रेना पे एटीपेज पाए जाते हैं, ग्रेना पे। अब लाइट, जब हम फोटोसिंथेसिस बताएंगे तो आप वहां पे हम ये सारी चीजें बताएंगे कि आप ये समझिए कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में होती है, और यहाँ पे कुछ एटीपेज पाए जाते हैं, और जब लाइट रिएक्शन होती है तो ल्यूमन के अंदर एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अब वो कैसे बढ़ता है वो सब हम वहीं पर बताएंगे, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शन जब होती है तो ग्रेना, ठीक है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ग्रेना के जो थैलेकोइड, ये ग्रेना दिख रहा है, ये एक एक ग्रेना, ये एक ग्रेना है, ये एक ग्रेना है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है थैलेकोइड, ठीक है, एक एक थैलेकोइड है, इस थैलेकोइड में एक थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, उस थैलेकोइड मेम्ब्रेन में ही सारे क्या होते हैं, फोटोसिस्टम 1, 2 या एटीपेज, ये सारी चीजें होती हैं। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस समय लाइट रिएक्शन के थ्रू थैलेकोइड ल्यूमन में, थैलेकोइड ल्यूमन में क्या होते हैं, एच प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और फिर इसी एच प्लस आयन के ग्रेडियंट को यूज करके यहाँ पे एक एटीपेज होता है, वो बनाता है एटीपी। यही एनर्जी आगे चल के डार्क रिएक्शन में यूज की जाती है CO2 को फिक्स करने के लिए, ठीक। तो इतनी बेसिक चीज है, जब लाइट पड़ी, लाइट पड़ती है तो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होने की वजह से जो थैलेकोइड ल्यूमेन होता है वहां पे एच प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ल्यूमेन के अंदर पीएच कैसा हो गया, एसिडिक पीएच हो गया, और इसी समय पीएच एसिडिक होता है जब लाइट रिएक्शन होती है। अब डे टाइम में ही लाइट पड़ रही है, ठीक है, डे टाइम में लाइट पड़ी, फोटोसिंथेसिस तो डे टाइम में ही होती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि, और दूसरी तरफ यहां पे ये देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे ये स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा में क्या होता है, दूसरी तरफ यहां पे ये जो एनर्जी बनती है इसी को यूज करके CO2 को फिक्स करके स्टार्च का फॉर्मेशन या ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का है।
अब इनके जो ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ग्रेना के जो या थैलेकोइड के जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि वायलोजेंथिन और जियाजेंथिन टाइप के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है यहां पे एक मींस की साइकिल चलती है, ठीक है, कौन सी साइकिल चलती है, जेंथोफिल साइकिल, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जियाजेंथिन ये एक जेंथोफिल है, ठीक है, जियाजेंथिन क्या है, जेंथोफिल है, मींस कि एक कैरेटिनॉइड अल्कोहल होते हैं, मींस कैरेटिनॉइड एक कैटेगरी होती है जो उन पे अल्कोहल लग जाता है तो वो जियाजेंथिन या जेंथोफिल बन जाते हैं, तो ये क्या है, ये जेंथोफिल है, तो इसको कहा जाता है जेंथोफिल साइकिल, इसको कहा जाता है जेंथोफिल साइकिल चलती है, कहां पे चलती है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में एक जेंथोफिल साइकिल चलती है, उस साइकिल में एक्चुअली में क्या होता है, वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन और जियाजेंथिन से वायलोजेंथिन में चेंज होता रहता है। अब जो जियाजेंथिन होता है वो ब्लू लाइट को सेंस करता है, जियाजेंथिन ब्लू लाइट को सेंस करता है, तो अब आप सपोज समझिए कि डे टाइम में लाइट पड़ी, फोटोसिंथेसिस हुई, और फोटोसिंथेसिस जब होती है तो यहां पे ल्यूमेन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, ल्यूमेन के अंदर का पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक, और जब एसिडिक पीएच होता है तो मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, वायलोजेंथिन, ये वायलोजेंथिन एसिडिक पीएच की प्रेजेंस में जियाजेंथिन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वायलोजेंथिन एसिडिक कंडीशन में जियाजेंथिन में चेंज होते हैं, और जियाजेंथिन ही ब्लू लाइट को परसीव कर सकता है, सेंस कर सकता है, वायलोजेंथिन नहीं कर सकता, मींस की बेसिकली जियाजेंथिन करता है, तो जियाजेंथिन जब ये ब्लू लाइट को परसीव करता है तो ये क्या करता है कि कुछ ये सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करा देता है, कौन, जियाजेंथिन, और साथ में सीरीन थ्रियोनिन काइनेज को एक्टिव कराने के लिए ऐसा भी देखा गया है कि कुछ और भी मींस प्रोटीन होते हैं, फोटोवन फोटो, अब ये क्या होता है, ये फोटोट्रोपिन, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फोटोट्रोपिन, तो कुछ फोटोट्रोपिन मॉलिक्यूल होते हैं वो भी इसको एक्टिव कराते हैं, ठीक है, वो भी इसको एक्टिव कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भी काइनेजेस को एक्टिव करा देते हैं, सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज को जियाजेंथिन ने एक्टिव कराया, जब ये एक्टिव होता है तो ये इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि यहां पे पाया जाता है एक H+ATP, ये H+ATPase को मींस फॉस्फोराइलेट जब होगा तब ये एक्टिव होता है, तो अब जब ये सीरीन थ्रियोनिन, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में, H+ATPase इनएक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव फॉर्म में कब आएगा, जब इसके ऊपर एक 1433 प्रोटीन, अब 1433 प्रोटीन क्या है, ये समझ लीजिए एक तरीके से कि ये मींस रेगुलेट करती है बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स को रेगुलेट करती है, यूकैरियोट्स में ये प्रोटीन पाई जाती है, तो आप ये समझिए कि ये एटीपेज़ जो है, H+ATPase है, जब ये 1433 प्रोटीन इस पे बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद इस पर फॉस्फोरिलेशन होता है तब ये एक्टिव होता है, तब ये एक्टिव होता है, तो अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ही जियाजेंथिन क्या हुआ ने ब्लू लाइट परसीव किया, ब्लू लाइट परसीव करने के बाद सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज क्या हो गए, एक्टिव हो गए, ये जब एक्टिव होते हैं तो ये जो इनएक्टिव H+ATPase है इसको एक्टिव करा देते हैं फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, 1433 प्रोटीन यहां पे जुड़ जाती है और उस पर फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, और जब ATPase एक्टिव होता है, जब ATPase एक्टिव होता है तो क्या होता है, H+ आयन कहां जाते हैं, बाहर, अब आपको याद होगा जब हम यहां पे बता रहे थे तो हमने क्या बताया था कि यहां पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और पोटेशियम पंप को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, पंप को खुलवा देते हैं जैसे ही एसिडिक कंडीशन होती है, तो सेम यहां भी कंडीशन हो रही है, लेकिन यहां पे ब्लू लाइट मेडिएटेड हो रही है, ठीक है, यहां पे ब्लू लाइट मेडिएटेड हो रही है, वो तो नॉर्मल ओपनिंग है लेकिन ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में कैसे स्टोमेटा ओपन हो रहा है, यहां पे हम लोग ये चीज देख रहे हैं, तो ये H+ आयन क्या होते हैं, ये जो प्रोटॉन ATPase है ये एक्टिव होता है, जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, ये K+ को एक्टिव कराता है, K+ से क्या होता है कि अब ये जो सब्सिडरी सेल्स है, यहां से सब्सिडरी सेल से प्रोटॉन कहां जा रहे हैं, सब्सिडरी सेल से ये पोटेशियम आयन कहां जा रहे हैं, यहां पे जा रहे हैं गार्ड सेल्स में, ये गार्ड सेल्स में जा रहे हैं, उसके साथ साथ काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या जाते हैं, क्लोराइड आयन जाते हैं, तो यहां पे जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स में K+ आयन और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया, है ना, जब बढ़ेगा तो सब्सिडरी सेल से वाटर कहां जाएगा, गार्ड सेल्स में, और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, तो पूरा स्टोमेटा, अब देखिए यहां पे स्टोमेटा किसकी वजह से ओपन हुआ, यहां पे स्टोमेटा ब्लू लाइट सेंसिंग की वजह से ओपन हुआ, कि ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा कैसे ओपन हो रहा है, फिर से सुन लीजिए,
स्टोमेटा ओपन के लिए कंडीशन क्या है? स्टोमेटा ओपन के लिए कंडीशन ये है कि स्टोमेटा ओपन तब होगा जब पोटेशियम आयन कहां जाएंगे? गार्ड सेल्स में जाएंगे विद बैलेंस विद क्लोराइड आयन. अब ये पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन को अंदर लाने के लिए ब्लू लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्स होते हैं. कैसे होते हैं? जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है वहां पे मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वायलोजेंथिन. वायलोजेंथिन जियाजेंथिन में चेंज हो जाते हैं, ब्लू लाइट चेंज होते हैं. कब चेंज होते हैं? जब यहां पे डे टाइम में ये काम होगा, स्टोमेटा डे टाइम में ही खुलेंगे तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है. फोटोसिंथेसिस होने की वजह से यहां का पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है यहां पे, क्योंकि ल्यूमेन में एच प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाते हैं जब फोटोसिंथेसिस होती है. तो यहां पे एसिडिक पीएच होता है. जब एसिडिक पीएच होता है तो जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में वायलोजेंथिन है वो जियाजेंथिन में चेंज हो जाता है. जब जियाजेंथिन में ये चेंज हो जाता है तो ये एक्टिव करता है सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज को. और साथ में ऐसा भी माना गया कि फोर्ट 1 फोर्ट 2 भी क्या करते हैं? सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करते हैं. तो जब ये एक्टिव होते हैं तो ये क्या करते हैं? H+ और एटीपेज पंप जो पाया जाता है कहां पे? यहां पे मींस गार्ड सेल के पास, इसको करा देता है एक्टिव. और जब ये एक्टिव होता है फॉस्फोरिलेशन के थ्रू एक्टिव कराएगा ये जियाजेंथिन सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज के थ्रू ये एक्टिव होगा. जैसे ही एक्टिव होता है ये किसको खुलवा देता है? प्रोटॉन पंप को, सॉरी पोटेशियम पंप को ओपन करवा देता है. और जैसे ही ओपन होता है तो अंदर क्या क्या पोर्शन लगता है? पोटेशियम आयन और काउंटर बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन जाता है. और गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, जिससे बढ़ने की वजह से यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और सब्सिडरी सेल से पानी अंदर आने लगता है, वाटर अंदर आने लगेगा. ठीक है, और जब अंदर आने लगेगा तो ये गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे. एक हम चीज यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि जो हमने ये बताया कि एसिडिक कंडीशन में हैं, मतलब कि ये वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, वो भी एसिडिक कंडीशन कब होगी? जब फोटोसिंथेसिस होगी डे टाइम में और स्टोमेटा डे टाइम में ही खुलते हैं. तो ये चीज, ये इसका रीजन क्या, इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए कि जो वायलोजेंथिन या जेंथोफिल साइकिल जो चलती है तो उसमें जो वायलोजेंथिन है, वायलोजेंथिन किसमें चेंज होता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है एंथ्राजेंथिन और उसके बाद जियाजेंथिन में चेंज होता है. और जियाजेंथिन ही क्या करता है? ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स कर पाता है. तो एक्चुअली में जो ये ल्यूमेन है, थैलेकोइड का ल्यूमेन है, यहां पर जब एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो यहां का पीएच क्या हो जाता है? पीएच लो हो जाता है. तो क्या होता है कि एक एंजाइम होता है वायलोजेंथिन डी इपोक्सीडेज, वायलोजेंथिन डी इपोक्सीडेज. ठीक है, कौन सा एंजाइम? वायलोजेंथिन डी इपोक्सीडेज. ये एंजाइम एक्टिव तब होता है जब ल्यूमेन का पीएच कितना होता है? 5.2 टू 5.8. वैसे नॉर्मली ल्यूमेन का पीएच अल्कलाइन होता है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होती है और एच प्लस आयन ल्यूमेन में इकट्ठे होते हैं तो उस समय इसका पीएच क्या हो जाता है? ये, ठीक है, लो हो जाता है. और जिसकी वजह से ये वाला एंजाइम एक्टिव होता है. और जब ये एंजाइम एक्टिव होगा तो वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन का फॉर्मेशन होगा. ठीक, और ठीक ये साइकिल, क्योंकि साइकिल है तो साइकिल का मतलब क्या है? जहां से शुरू वहां से फिर खत्म होना, मतलब कि साइक्लिक फॉर्म में. तो जियाजेंथिन फिर से वायलोजेंथिन में चेंज होगा. तो जब जियाजेंथिन वायलोजेंथिन में चेंज होता है तो उस समय ल्यूमेन का पीएच क्या होता है? 7.5. तो वहां पे क्या होती है? लाइट लो होती है. जब हाई लाइट होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, तो वहां पे ल्यूमेन का पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है और ये जियाजेंथिन में चेंज कर देता है और जियाजेंथिन ही ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स कर सकता है डे टाइम में. फिर इसके बाद अगर सपोज कि लो लाइट है, लाइट है नहीं, तो उस समय फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, ल्यूमेन में ये सब पाया नहीं जाएगा, एच प्लस आयन होंगे नहीं, तो जिससे अल्कलाइन हो जाएगा ल्यूमेन. ल्यूमेन जब अल्कलाइन होगा तो जो ये इपोक्सीडेज जियाजेंथिन इपोक्सीडेज जो है ये क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा. वायलोजेंथिन इपोक्सीडेज एक्टिव होगा तो जियाजेंथिन बनेगा, जियाजेंथिन इपोक्सीडेज एक्टिव होगा तो वायलोजेंथिन बनेगा. और इस तरह से ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन में ये जियाजेंथिन जेंथोफिल साइकिल चलती है. समझ में आया कि क्यों डे टाइम में स्टोमेटा ब्लू लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्स में ओपन हो रहे हैं और क्यों लाइट की प्रेजेंस में ही ऐसा हो रहा है जब फोटोसिंथेसिस हो रही है. अब इसे यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं कि वायलोजेंथिन डी इपोक्सीडेज इंट्रीगल थैलेकोइड मेम्ब्रेन. ये जो एंजाइम है ये कहाँ पे होता है? थैलेकोइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है. इसकी एक्टिविटी कब होती है? 5.2 टू 5.8 पीएच पे. एसिडिफिकेशन ऑफ ल्यूमेन पीएच स्टिमुलेट जियाजेंथिन फॉर्मेशन एंड ल्यूमेन अल्कलाइज लीड टू वायलोजेंथिन फॉर्मेशन. अगर ल्यूमेन का पीएच एसिडिक होगा तो जियाजेंथिन बनेगा और अगर ल्यूमेन का पीएच बेस मींस के अल्कलाइन होगा तो वायलोजेंथिन बनेगा. जियाजेंथिन कंटेंट इंक्रीज
एट इंक्रीज इरेडिएशन एंड डिक्रीज एट लोअर रेडिएशन. तो जियाजेंथिन का फॉर्मेशन कब होगा, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे जियाजेंथिन का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और अगर हम उसको डिक्रीज कर देंगे तो जियाजेंथिन डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब यहां पे एक आप देख रहे हैं, एक क्या बना हुआ है, NPQ. ठीक है, ये लिखा हुआ NPQ1, और यहां पे ऐसे ये इनिबिट का निशान बना है. ये मैकेनिज्म देखने के लिए, ये मैकेनिज्म देखने के लिए कि जियाजेंथिन ही रिस्पॉन्सिबल हैं स्टोमेटा ओपनिंग होने के लिए, है ना. तो ये चीज कैसे देखी जाए, भाई मेम्ब्रेन है, स्टोमेटा तो कई प्रोसेस से खुल रहे हैं, लेकिन हम ये एग्जैक्टली कैसे पता कर पाए कि ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं. स्टोमेटा तो कई तरह से ओपन होते हैं, कई चीजें होती, कई थेरीज हैं स्टोमेटा ओपन होने के लिए, लेकिन ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ही ओपन हो रहे हैं. इसको पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया. वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक होता है NPQ1, ये क्या है, ये म्यूटेंट है, ये एक म्यूटेंट बनाया गया. ये म्यूटेंट कैसा था, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग म्यूटेंट, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग म्यूटेंट. ये म्यूटेंट क्या है, इस म्यूटेंट को अगर बना दिया जाएगा तो क्या होगा कि वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन में ये चेंज नहीं होगा, और जब जियाजेंथिन में चेंज नहीं होगा तो ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स नहीं करेगा. जब ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो ये सारा प्रोसेस होगा नहीं. तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो जियाजेंथिन ही है वो ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स करता है. ठीक है, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. ठीक है, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के थ्रू क्या हो जाएगा कि इसके थ्रू, इस म्यूटेंट के थ्रू ये देखा गया कि भाई जो ये वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन में चेंज हो रहा है, जब नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग म्यूटेंट बनाया जाएगा तो ये क्या होता है कि जियाजेंथिन में चेंज नहीं हो पाएगा. जब जियाजेंथिन में चेंज नहीं होगा तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, और इससे कंफर्म हो जाएगा तो फिर स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे. तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपन. फिर भी आपको नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग समझ में नहीं आया होगा, वो हम अभी बताते हैं. नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि फोटोन एब्जॉर्व किए जाते हैं पिगमेंट, जैसे कि सन से जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद फोटोन एब्जॉर्व किए जाते हैं, प्लांट पिगमेंट्स एब्जॉर्व करते हैं फोटोन को, और फोटोन को एब्जॉर्व करने के बाद फंक्शन करते हैं. कौन कौन से फंक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस. लेकिन अगर एक्सेस फोटोन पड़ जाए, भाई लाइट इंटेंसिटी है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेस फोटोन पड़ जाए. अगर एक्सेस फोटोन पड़ जाए तो उस एक्सेस फोटोन को कैसे डिसिपेट किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए. नहीं तो जो अभी जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो पे पढ़ाएंगे कि अगर एक्सेस लाइट पड़ जाए तो फोटो जो सिंथेसिस करने वाली मशीनरी है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, वो खराब हो सकती है. तो लाइट इंटेंसिटी भी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की पड़नी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा. लेकिन हम सन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, जो लाइट पड़ रही उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो प्लांट अपने अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म करता है कि अगर लाइट इंटेंसिटी सपोज ज्यादा पड़ गई तो उस केस में वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा, उस लाइट इंटेंसिटी से अपने आप को कैसे बचाएगा. तो क्या होता है कि अगर एक्सेस फोटोन पड़ते हैं तो जो प्लांट होते हैं वो अपने अंदर एक्सेस फोटोन को लॉस ऑफ हीट और इरेडिएशन के फॉर्म में हटा सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन फर्स्ट लेवल का होता है. मतलब प्लांट के पास हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर पड़ रही है जिससे कि प्लांट में फोटो इनहिबिशन हो सकता है, उससे बचने के लिए प्लांट अपने अंदर 3 टाइप के मैकेनिज्म रखता है. ठीक है, तो एक फर्स्ट टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसको कहा जाता है लॉस ऑफ हीट, मतलब कि जो एक्सेस फोटोन पड़ रहे हैं उसको हीट और रेडिएशन के फॉर्म में लॉस कर दिया जाए. अगर एक्सेस फोटोन पड़ गए जिससे कि प्लांट डैमेज हो सकता था, तो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है कि प्लांट अपने अंदर के फोटोन को जो पड़ गए हैं उनको हीट या रेडिएशन के फॉर्म में डिसिपेट कर दें. ठीक है, और ये जो होता है, ये होता है फोटोकेमिकल क्वेंचिंग और नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. तो देखिए क्या होता है कि सपोज एक होता है फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. फोटोकेमिकल क्वेंचिंग का मतलब ये है कि सपोज की लाइट पड़ी प्लांट के ऊपर एक्साइटॉन के फॉर्म में, एक्साइटॉन के फॉर्म में. ठीक है, एक्साइटॉन के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि प्लांट जब एब्जॉर्व करते हैं लाइट को, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके साथ साथ उनके चारों तरफ कुछ और भी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं. हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर पड़ गई तो उसको एक्साइटॉन के फॉर्म में रेड मींस की लॉस कर दिया जाए. सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, है ना, एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, आपको एक हॉट बॉल दी गई. ठीक है, एक हॉट बॉल. अब हॉट बॉल को समझिए, वो फोटोन है और बहुत एक्सेस इंटेंसिटी का फोटोन पड़ रहा है, हैं, आपको दी गई. अब हम कह रहे हैं कि उस फोटोन को आपको नीचे भी नहीं गिराना है, मतलब उस बॉल को नीचे भी नहीं गिराना है, और आप और वो
आपके हाथ पर भी रहे, हाथों पर भी रहे, नीचे भी ना गिरे। और क्या कहते, तो ऐसे में, ऐसे केस में क्या होगा कि अगर किसी एक ही पर्सन के पास वो रहेगा तो वो गिरा ही देगा क्योंकि वो गर्म है। लेकिन अगर 10 पर्सन वहां बैठे हैं और उस हॉट बॉल को क्या किया जाए, ट्रांसफर करते जाए एक दूसरे को, तो क्या होगा कि किसी एक का हाथ नहीं जलेगा। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, कि जो फोटोन पड़े हैं उनको एक्साइटॉन ट्रांसफर के थ्रू एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते जाएं और इस तरह से वो हीट के फॉर्म में, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएंगे। तो इसको कहा जाता है फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। दूसरा एक और मैकेनिज्म होता है कि प्लांट अपने अंदर के एक्सेस फोटोन को नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के थ्रू क्या कर दें, मीन्स लॉस कर दें उस हीट को। तो उसमें क्या होता है कि जो फोटोन पड़े उनको हीट के फॉर्म में लॉस कर दिया जाए। और जो हीट के फॉर्म में लॉस किया जाता है तो उसके लिए कुछ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वायलोजेंथिन, जियाजेंथिन, है ना, या एंथ्राजेंथिन। तो इनको नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के थ्रू क्या कर दिया जाता है, मीन्स डिसिपेट कर दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। तो इसीलिए यहां पे क्या बताया गया, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग का क्या बना दिया गया, म्यूटेंट बना दिया गया, ठीक है। और जब ये म्यूटेंट रहेगा तो क्योंकि ये हीट को डिसिपेट करते हैं ना, मतलब इनमें नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग होती है, तो इनका म्यूटेंट बना दिया गया। जब इनका म्यूटेंट बन जाएगा तो फिर ये जियाजेंथिन में कन्वर्ट नहीं होगा और इससे क्या होगा, ब्लू लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक। जैसे आप फोटोसिंथेसिस का हमारा पार्ट 4 का वीडियो देखेंगे, उसमें हमने इसको बहुत डिटेल में बताया है, तो आप वहां पे इसको समझ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का पार्ट 4 नंबर का वीडियो, उसमें हमने फोटोकेमिकल क्वेंचिंग और नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग को समझाया है। बट यहाँ पे हम लोग ब्लू लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्स में, इसलिए इसको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। बस आप ये समझिए कि नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग से क्या होता है, जो एक्सेस फोटोन पड़ते हैं उससे हीट का डिसिपेशन किया जाता है, इसीलिए क्योंकि उसमें एक्साइटॉन नहीं हो रहा है, उसमें हीट के फॉर्म में मीन्स फोटोन को लूज किया जा रहा है, इसलिए उसको नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कहा जाता है। फोटोकेमिकल में क्या, रेडिएशन के फॉर्म में हीट को रिलीज किया जा रहा है, तो मतलब एनर्जी को, एक्सेस इंटेंसिटी की एनर्जी को, तो इसलिए उसको फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है वही सारी चीजें हैं। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ जियाजेंथिन क्लोजली मैचेस द एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लू लाइट, मींस कि अगर हम लोग जियाजेंथिन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखें, है ना, क्लोजली मैचेस द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लू लाइट स्टिम्युलेटेड स्टोमेटा ओपनिंग, मतलब कि जो ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपनिंग का जो हमें एक्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, वही हमको जियाजेंथिन का भी स्पेक्ट्रा मिलता है। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि जियाजेंथिन रिस्पॉन्सिबल है ब्लू लाइट स्टोमेटा ओपनिंग, मतलब स्टोमेटा ओपनिंग के लिए ब्लू लाइट मेडिएटेड जो स्टोमेटा ओपनिंग होती है वो जियाजेंथिन के थ्रू होती है। अब इसके बाद अगर, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर एम्बियंट कॉन्सेंट्रेशन CO2 का, यहाँ पे समझिए, जैसे कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। अब अगर सपोज कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो उस समय क्या होगा कि CO2 का फिक्सेशन ज्यादा होगा, ठीक है, CO2 का फिक्सेशन ज्यादा होगा। जब CO2 का फिक्सेशन ज्यादा होगा तो फिक्सेशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे ATP बना होता है उसी ATP को यूज किया जाता है CO2 के फिक्सेशन में, तो उस ATP को यूज, और वो ATP बनता है कैसे, वो ATP ऐसे बनता है कि जो ल्यूमेन में H+ आयन है वो सब बाहर जाते हैं स्ट्रोमा में, ठीक है, और ATP से, मतलब ADP से ATP बनता है। तो जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो CO2 का फिक्सेशन ज्यादा होगा, जब CO2 का फिक्सेशन ज्यादा होगा तो ATP ज्यादा यूज होगा, ATP ज्यादा यूज होगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा H+ आयन ATP बना देंगे, तो ल्यूमेन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी। जब ल्यूमेन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो ल्यूमेन कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, और जब ल्यूमेन अल्कलाइन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जियाजेंथिन का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जियाजेंथिन को कॉन्सेंट्रेट, तो मीन्स कि जब ल्यूमेन अल्कलाइन होता है तो उस समय क्या होता है, वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन नहीं बन पाता, क्योंकि जो वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन बनाने वाला एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से जब हाई कॉन्सेंट्रेशन है तब क्या होगा और जब लो कॉन्सेंट्रेशन है तब क्या होगा, कैम प्लांट होते, कैम प्लांट ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास जियाजेंथिन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि
उनके पास क्या नहीं होता, जियाजेंथिन नहीं होता, इसलिए कैम प्लांट ब्लू लाइट रिस्पॉन्स मेडिएटेड स्टोमेटा ओपन नहीं कर पाते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि जो ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपन होते हैं, अगर उन्हीं प्लांट पे ग्रीन लाइट डालने लगे तो वो रिवर्स इफेक्ट हो जाता है, रिवर्स इफेक्ट होता है, मतलब स्टोमेटा क्लोज होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही पॉइंट लिखा जो हमने बताया कि हाई एम्बियंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन, हाई रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन एल्कलाइज द ल्यूमेन एंड डिक्रीज द गार्ड सेल जियाजेंथिन कंटेंट। ठीक है, जियाजेंथिन का कंटेंट कम हो जाएगा। तो जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तब स्टोमेटा ओपन होगा, जब इंक्रीज होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ब्लू लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्सेज। वही सारी चीजें जो हमने बताई हैं वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपनिंग इज कंप्लीटली इनिबिटेड बाई 3 मिलीमोलर डाइथायोथ्रेटॉल, एक डीडीटी मॉलिक्यूल होता है, कंपोनेंट होता है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को यूज करते हैं तो जो ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपनिंग है वो कंप्लीटली इनिबिटेड हो जाती है। तो ऐसा कैसे होता है, ये कहा गया कि जो डीडीटी है, डीडीटी मतलब कि जियाजेंथिन जो बनता है, वायलोजेंथिन से क्या बनता है, जियाजेंथिन। जियाजेंथिन कब बन रहा था, इसमें आ रहा था वायलोजेंथिन एपॉक्सीडेज। तो ये बताया गया कि जियाजेंथिन फॉर्मेशन इज ब्लॉक्ड बाय डीडीटी, अ रिड्यूसिंग एजेंट। डीडीटी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है दैट रिड्यूस डाइसल्फाइड बॉन्ड टू एसएच ग्रुप एंड इफेक्टिवली इनिबिट एंजाइम कन्वर्ट वायलोजेंथिन टू जियाजेंथिन। ठीक, तो जो ये एंजाइम है वायलोजेंथिन डी इपॉक्सीडेज को अगर हम डीडी मतलब सपोज की जो ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, अगर हम इस एंजाइम को डीडीटी से मींस क्या कर दे, ट्रीटमेंट कर दे, तो क्या हो जाएगा कि रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये डीडीटी पे में क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और ये बॉन्ड, ये डीडीटी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को इसमें चेंज कर देता है। अब ये एंजाइम क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल, और जिसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा कि ब्लू लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्स या स्टोमेटा ओपनिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ब्लू लाइट स्टिम्युलेटेड स्टोमेटा ओपनिंग इज कंप्लीटली इनिबिटेड बाय 3 मिलीमोलर डाइथायोथ्रेटॉल डीडीटी एंड इनिबिशन इज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। जियाजेंथिन फॉर्मेशन इज ब्लॉक्ड बाई, इसकी वजह से ब्लॉक होता है। क्यों, क्योंकि जियाजेंथिन बनाने वाला जो एंजाइम है वो इनिबिट हो जाता है, उसका एसएच बॉन्ड क्लीव होके एसएच में रिड्यूस हो जाता है, इसकी वजह से ये नहीं काम कर पाता है। ठीक, तो ये इससे ये भी पता चलता है कि जो यहाँ पे जंतुफिल जो साइकिल चलती है, जिसमें कि जो ये एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वायलोजेंथिन को जियाजेंथिन में कन्वर्ट करने के लिए, और जियाजेंथिन ही ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स करता है।